Dear students, now we are reading our chapter 10th of science books, How Animals Survive. कि जो एनिमल्स होते हैं वो कैसे सर्वाइव करते हैं, कैसे जिंदा रहते हैं, उनमें क्या क्या स्किल्स होती है, क्या क्या तरीके होते हैं जिसकी वजह से वो जिंदा रह पाते हैं. सो टाइप्स ऑफ एनिमल्स बेस्ड ऑन द एब्सेंस और प्रेजेंस ऑफ अ बैकबोन, एनिमल कैन बी डिवाइडेड इनटू टू ग्रुप्स, एनिमल्स विदाउट अ बैकबोन. यानी जो एनिमल्स जिनके बैकबोन होने या ना होने के बेसिस पे उन्हें दो पार्ट्स में डिवाइड करा जा सकता है, एनिमल्स विदाउट बैकबोन और एनिमल्स विथ बैकबोन. फर्स्ट एनिमल वो होता है जिनके अंदर बैकबोन प्रेजेंट नहीं होती और सेकंड में प्रेजेंट होती है. एनिमल्स दैट डू नॉट हैव अ बैकबोन आर कॉल्ड इनवर्टिब्रेट्स. एग्जाम्पल्स आर इंसेक्ट्स सच एज कॉकरोचेस एंड आंट्स, वर्म्स, स्लग्स एंड स्नेल्स. वो एनिमल्स जिनमें बैकबोन नहीं होती उनको इनवर्टिब्रेट्स बोलते हैं और इनका एग्जाम्पल होता है इंसेक्ट यानी कॉकरोच, आंट, वर्म्स वगैरह. इंसेक्ट्स हैव सिक्स लेग्स एंड देयर बॉडी इज डिवाइडेड इनटू थ्री मेन पार्ट्स, हेड, थ्रॉक्स, एब्डोमेन. मोस्ट इंसेक्ट्स हैव अ हार्ड आउटर कवरिंग मेड अप ऑफ मटेरियल कॉल्ड चिटिन. अब जो इंसेक्ट्स होते हैं उनके मोस्टली सिक्स लेग्स होते हैं और उनके जो बॉडी होती है वो मेनली थ्री पार्ट्स में डिवाइडेड होती है, हेड, थोरेक्स और एब्डोमेन. जो फ्रंट वाला पार्ट, देन मिडल पार्ट एंड देन लास्ट जो एंडिंग. मोस्ट इंसेक्ट हैव अ हार्डर आउटर कवरिंग मेड अप ऑफ, और जो इंसेक्ट होती है उनके बाहर हार्डर कवरिंग सी होती है जिसको बोलते हैं चिटिन. अ फ्यू इंसेक्ट सच एज मस्कीटो एंड बटरफ्लाई कैन फ्लाई. अब कुछ जो इंसेक्ट होते हैं वो फ्लाई कर सकते. नाउ द सेकेंड टाइप, एनिमल्स विथ बैकबोन. एनिमल्स दैट हैव अ बैकबोन आर कॉल्ड वर्टिब्रेट्स. अब जिन एनिमल्स के पास बैकबोन होती है उन्हें वर्टिब्रेट्स बोलते हैं. दे कैन बी फर्दर डिवाइडेड इनटू स्मॉलर ग्रुप्स. अब इनके अभी अलग अलग ग्रुप्स बन सकता है. तो फर्स्ट है फिश. दिस ग्रुप कंसिस्ट ऑफ लार्ज वेराइटी ऑफ एनिमल्स दैट लिव इन वॉटर. अब ये जो ग्रुप होता है इसमें मोस्टली बहुत लंबी ज़्यादा वैरायटी आ जाती है उन एनिमल्स की जो कि वाटर में रहते हैं. दीज एनिमल्स ब्रीथ थ्रू गिल्स. ये जो एनिमल होते हैं ये गिल्स से ब्रीथ करते हैं सांस. एक गिल्स होते हैं, उनके बॉडी पे छोटे छोटे से छेद होते हैं जिसके थ्रू वो सांस लेते हैं. दे हैव फिन्स टू स्विम. और जो इनके ये पंख टाइप में जो लगते हैं ना इसको बोलते हैं फिन्स, जो उनकी हेल्प करते हैं स्विम करने के अंदर. देयर बॉडी इज कवर्ड विथ स्केल्स. और उनके बॉडी पे स्केल्स होते हैं. एग्जाम्पल आर कॉल्ड मैरिकल एंड शार्क. और फिश के एग्जाम्पल ये सब है. नेक्स्ट है एम्फीबियंस. दीज एनिमल्स लिव बोथ ऑन लैंड एंड इन वॉटर. अब ये जो एनिमल्स होते हैं ये दोनों में रहते हैं, ये लैंड पे भी रहते हैं और वॉटर में भी रहते हैं. मोस्ट ऑफ देम ब्रीथ थ्रू लंग्स एंड मॉइस्ट स्किन. अब ये जो होते हैं ये दोनों से ब्रीथ करते हैं, लंग्स से भी और उनके जो मॉइस्ट स्किन होती है उससे भी. इसका एग्जाम्पल है फ्रॉग, टोड एंड न्यूट. अब नेक्स्ट है रेप्टाइल्स. मोस्ट ऑफ दीज एनिमल्स लिव मेनली ऑन लैंड. अब ये वाले जो एनिमल्स होते हैं ये मेनली लैंड पे ही रहते हैं. दे हैव स्केली स्किन एंड रिप्रोड्यूस बाय लेइंग एग्स. और इनके स्केली सी स्किन होती है, मतलब इनके ऐसे कांटे टाइप में से उभरी हुई स्किन होती है. और ये रिप्रोड्यूस करते हैं किसके थ्रू, एग्स ले करने के थ्रू. लिजर्ड, स्नेक एंड क्रोकोडाइल आर रेप्टाइल्स. ये सारे क्या होते हैं, रेप्टाइल्स के टाइप है. क्या, लिजर्ड, स्नेक एंड क्रोकोडाइल. रेप्टाइल्स, एम्फीबियंस एंड फिश आर कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स. ये रेप्टाइल्स, एम्फीबियंस और फिश क्या होते हैं, कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स होते हैं. यानी इनका जो खून होता है ना वो ठंडा होता है और अपना टेम्परेचर चेंज नहीं करता है आसपास के अकॉर्डिंग. दिस मीन्स दैट देयर बॉडी टेम्परेचर चेंजेस विद चेंज इन द टेम्परेचर ऑफ देयर सराउंडिंग. अब ये क्या होता है, इनको अपने सराउंडिंग के वजह से अपना बॉडी का टेम्परेचर अपने आप चेंज हो जाता है. मतलब ये एक फिक्स टेम्परेचर पे अपने बॉडी को नहीं रख सकते, इनका बॉडी का टेम्परेचर चेंज होता रहता है इनके सराउंडिंग के अकॉर्डिंग. अब टाइप क्या है अपने पास, फोर टाइप. द बर्ड्स. बर्ड्स हैव अ लाइट बॉडी. बर्ड्स की जो बॉडी होती है वो लाइट वेट होती है. दे आर कवर्ड विथ फैदर्स. उनके बॉडी पे फैदर्स होते हैं. दे हैव विंग्स दैट हेल्प देम टू फ्लाई.
और उनके बॉडी पे विंग्स होते हैं, विंग्स जो उनको हेल्प करते हैं फ्लाई करने में. ह्यूमिंग बर्ड, स्पैरो एंड ईगल, ये एग्जाम्पल है बर्ड्स के. बर्ड्स सच एज ऑस्ट्रिच, कीवी एंड पेंगुइन हाउएवर कैन नॉट फ्लाई बिकॉज दे हैव हैवी बॉडी. और ऑस्ट्रिच, कीवी और पेंगुइन उड़ नहीं सकते क्योंकि उनकी जो बॉडी होती है वो हैवी होती है, और इनको अपन बोलते हैं फ्लाइटलेस बर्ड्स, यानी जो बर्ड जो उड़ नहीं सकती. फैक्ट 5, ह्यूमिंग बर्ड आर द स्मॉलेस्ट बर्ड्स इन द वर्ल्ड. और जो ह्यूमिंग बर्ड होती है वो वर्ल्ड की सबसे स्मॉलेस्ट बर्ड है. अब फिफ्थ टाइप है अपने पास मैमल्स. मैमल्स आर अ ग्रुप ऑफ एनिमल दैट गिव बर्थ्स टू बेबीज एक्सेप्ट द प्लेटिपस एंड एनीटो. अब जो मैनिमल्स होते हैं ये एक ऐसा ग्रुप है जो डायरेक्ट बेबीज को बर्थ देते हैं. किसको छोड़ के? प्लेटिपस और एनीटर को छोड़ के. देयर बॉडीज हैव हेयर एंड मदर सकल देयर ओन वंस. जो इनकी बॉडी पे क्या होते हैं? हेयर होते हैं. इनकी बॉडी पूरा हेयर से कवर्ड होती है, और जो मदर होती है वो सकल करती है जिनके देयर यंग वंस को, मतलब उन्हें फीड करती है मिल्क. सकल का मीनिंग दे रखा है टू अलाउ टू सक द मिल्क. तो अपने जो चाइल्ड को अपना मिल्क प्रोवाइड कराती है. मोस्ट मैमल्स ब्रीथ थ्रू देयर लंग्स. और जो मोस्टली मैमल्स होते हैं वो लंग्स से ब्रीथ करते हैं. दे हैव फोर लिम्स, उनके चार पैर होते हैं. बर्ड्स एंड द मैमल्स आर वॉर्म ब्लडेड एनिमल्स. और जो बर्ड्स और मैमल्स होते हैं वो वॉर्म ब्लडेड एनिमल्स होते हैं. दिस मीन्स दैट देयर बॉडी टेम्परेचर रिमेन्स कॉन्स्टेंट डिस्पाइट चेंज इन द टेम्परेचर ऑफ देयर सराउंडिंग. यानी इनका जो बॉडी का टेम्परेचर होता है वो कॉन्स्टेंट रहता है डिस्पाइट कि आसपास कैसा है. अगर ठंड है, गर्मी है, कुछ भी है, जो उनका बॉडी का टेम्परेचर होता है वो कॉन्स्टेंट रहता है, वो चेंज नहीं होता है. ह्यूमन बींग, एलिफेंट, हॉर्स, गोट, काउ, डॉग, कैट आर द एग्जाम्पल ऑफ मैमल्स. ये सब क्या है? मैमल्स के एग्जाम्पल है. नाउ लेट्स रिमेम्बर कि फिल इन द ब्लैंक्स, ठीक है, ये नोटबुक में करना है. फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट वर्ड. एनिमल्स आर यूजुअली डिवाइडेड इनटू टू लार्ज ग्रुप, दोज विद बैकबोन एंड विदाउट बैकबोन. सो बैकबोन, एनिमल्स विद बैकबोन इंक्लूड फिश, शार्क, फ्रॉग, न्यूट एंड स्नेक. लुक एट द पिक्चर क्लियरफुली एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन. द नेम ऑफ द इंसेक्ट B. Where would you find it? Forest or neighborhood? How many legs does it have? 6 legs. What helps it to fly? Wings. Where animals live? Animals are found everywhere on land, on tree, flying in the air and in water. Some animals are found on both land and water. Based on where animals spend most of their time, they can be grouped into terrestrial, arboreal, एरियल, एक्वेटिक एंड एम्फीबियंस. अब जो एनिमल्स होते हैं वो सब जगह मिलते हैं. अब वो कुछ कुछ लैंड पर रहते हैं, कुछ ट्री पर रहते हैं, कुछ उड़ते हैं, कुछ पानी में रहते हैं, कुछ पानी और लैंड दोनों पर रहते हैं. तो इसके बेसिस पे इन्हें इन डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज में डिवाइड करा हुआ है. अब एक ही कैटेगरी के बारे में अपन पढ़ते हैं. टेरेस्ट्रियल एनिमल्स. एनिमल्स दैट लिव ऑन लैंड आर कॉल्ड टेरेस्ट्रियल एनिमल्स. These animals have featured suitable life for on land. जो animals land पर रहते हैं उन्हें terrestrial animals बोलते हैं. और इन animals के अंदर ऐसी चीजें होती है जो इनको जिनको land पर रहने के लिए help करती है. इनकी life land पर ही possible है. They have legs which help them to walk on land and most of them have lungs as their breathing organ. अब क्या होता है, इनके पास लेग्स होते हैं जो उनको वॉक करने में हेल्प करते हैं लैंड पे. और जो मोस्टली जो एनिमल्स होते हैं वो अपने लंग्स के थ्रू ब्रीथ करते हैं. क्लाइमेटिक कंडीशन में वेरी फ्रॉम प्लेस टू प्लेस. इट इज कोल्ड एट द माउंटेन्स इन द एंड इन द पोलर रीजन वेयर इट इज वेरी हॉट इन द डेजर्ट. अ याक लिव्स ऑन द माउंटेन एंड अ पोलर बियर लिव्स इन अ पोलर रीजन. अ कैमल इज फाउंड इन डेजर्ट. अब क्या होता है, डिफरेंट जो क्लाइमेटिक कंडीशन होती है वो डिफरेंट डिफरेंट जगह पे अलग अलग होती है. जैसे कि जो माउंटेन्स होते हैं और जो पोलर रीजन होते हैं वहाँ पे ठंड होती है. जो डेजर्ट होते हैं वहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी होती है.
तो ऐसे ही जो सर्दी वाले एरिया होते हैं वहाँ पे याक और पोलर बियर मिलते हैं, और जो ये डेजर्ट होता है वहाँ पर अपने को कैमल मिलता है, ये याक कैमल। नाउ एनिमल्स सच एज सील, पेंगुइन एंड वॉलरस आर अडेप्टिव टू लिव इन फ्रीजिंग कंडीशन। अभी जो एनिमल्स होते हैं जैसे सील, पेंगुइन और वॉलरस, इन्होंने अपने बॉडी को ऐसे बना लिया है कि ये फ्रीजिंग कंडीशन यानी बहुत ज़्यादा ठंड वाली कंडीशन में भी रह सकते हैं। अब इन्होंने ऐसा क्या डेवलप करा वो देखो, दे हैव अ थिक लेयर ऑफ अ फैट कॉल्ड ब्लबर अंडर देयर स्किन टू कीप देयर बॉडी वार्म। अब इनकी जो स्किन होती है ना, उसके अंदर की साइड बहुत एक थिक सी लेयर, एक मोटी सी लेयर होती है किसकी, फैट की, जिसको अपन बोलते हैं ब्लूबर। तो इससे क्या होता है, इनकी जो बॉडी होती है वो बहुत ज़्यादा वार्म रहती है, जो ठंड होती है वो उसे ज़्यादा अफेक्ट नहीं कर पाती। एनिमल्स दैट लिव इन वेरी कोल्ड प्लेसेस हैव थिक फर ऑन देयर बॉडी। इनके बॉडी पे बहुत ज़्यादा थिक से फर होते हैं विच प्रोटेक्ट्स फ्रॉम कोल्ड, और ये जो फर होता है वो क्या हेल्प करते हैं कि उन्हें ठंड से बचाते हैं। एनिमल्स सच एज बियर, फ्रॉग एंड स्नेक बिकम इनएक्टिव इन द कोल्ड विंटर मंथ्स व्हेन द फूड इज स्केयर्स। अब ये जो एनिमल्स होते हैं बियर, फ्रॉग और स्नेक, ये क्या होते हैं, एकदम इनएक्टिव हो जाते हैं, मतलब बहुत आलसी हो जाते हैं और कुछ काम नहीं करते। तो क्योंकि है ना वहाँ पर है ना जो सर्दी का मौसम है, फूड की कमी हो जाती है, तो अगर ये कुछ भी काम करते हैं ना तो उसकी वजह से इनकी एनर्जी लॉस होती है, इनकी हीट लॉस होती है। तो उस हीट और एनर्जी को बचाने के लिए ये एकदम इनएक्टिव जाते हैं, कुछ भी काम नहीं करते सर्दी के टाइम पे। और ये जो इनएक्टिविटी होती है इसको विंटर के मंथ्स में, और विंटर स्लीप इज कॉल्ड हाइबरनेशन, और इसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं, हाइबरनेशन। एनिमल लिविंग इन डेजर्ट हैव वेरी लिटिल हेयर ऑन देयर बॉडी। और जो डेजर्ट में एनिमल रहते हैं जैसे कैमल, तो उनकी बॉडी पे बहुत कम हेयर होते हैं। Since there is lack of water in desert, some animals such as camel drinks large amount of water at once time so that they can survive without water for many days. अब वहाँ पे बहुत ज़्यादा पानी की कमी होती है, तो क्या होता है, ये जैसे कि कैमल, तो ये बहुत सारा पानी एक ही बारी में पी लेते हैं और उस पानी को स्टोर करके रख लेते हैं ताकि इन्हें बहुत लंबे टाइम तक पानी पीने की ज़रूरत ना पड़े। Slowing down of activity or settling down to a long sleep by some animal during the hot summer month is called aestivation. अब ऊपर जो अभी अपन ने देखा था कि ठंड के महीने में जब वो एकदम इनएक्टिव हो जाते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, हाइबरनेशन। तो ऐसे ही जो अपने काम को बहुत धीरे धीरे करने लग जाते हैं एकदम आहन, तो जो अपने एक्टिविटी एकदम स्लो कर देते हैं या फिर बहुत लंबे टाइम के लिए सो जाते हैं, किस टाइम में, गर्मी के टाइम में, तो उसको बोलते हैं एस्टिवेशन। दस एनिमल हैव अडेप्टेड टू लिव इन डिफरेंट क्लाइमेटिक कंडीशन। ऐसे ही अलग अलग टाइप के एनिमल्स ने अलग अलग टाइप की क्लाइमेट में रहने के लिए अडेप्ट कर लिया है। एक्वेटिक एनिमल्स, एनिमल्स दैट लिव इन वाटर आर कॉल्ड एक्वेटिक एनिमल्स। वो एनिमल्स जो वाटर में रहते हैं उन्हें एक्वेटिक एनिमल्स बोलते हैं। मोस्ट एक्वेटिक एनिमल्स ब्रीथ थ्रू गिल्स एक्सेप्ट व्हेल्स एंड डॉल्फिन्स दैट ब्रीथ थ्रू लंग्स। अब जो मोस्टली जो एक्वेटिक एनिमल होते हैं वो गिल्स से ब्रीथ करते हैं एक्सेप्ट व्हेल्स एंड डॉल्फिन्स, क्योंकि वो लंग्स से ब्रीथ करते हैं। मोस्ट एक्वेटिक एनिमल्स हैव फिन्स एंड और पैडल्स दैट हेल्प देम टू स्विम। और इनके बॉडी पे फिन्स या फिर पैडल्स होते हैं जिसकी वजह से वो स्विम करने में ईजी होता है इनको, जो हेल्प करते हैं। अपार्ट फ्रॉम फिश, ऑक्टोपस एंड टर्टल एंड क्रैब आर ऑल्सो एक्वेटिक एनिमल्स। और ऑक्टोपस, टर्टल एंड क्रैब्स भी एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं। नाउ एम्फीबियंस, एनिमल्स दैट कैन लिव बोथ ऑन लैंड एंड वाटर इज आर कॉल्ड एम्फीबियंस। वो एनिमल्स जो लैंड और वाटर दोनों पे रह सकते हैं उनको बोलते हैं एम्फीबियंस। The back legs of these animals are stronger than their front leg. और इनका जो back leg होता है यानी जो पीछे के पैर होते हैं वो ज़्यादा strong होते हैं इनके front के पैरों से। This helps them to swim, which is how they move on land. अब ये जो होता है ना इसकी वजह से इनको swim करने में help मिलती है और इसी की वजह से ये easily move कर पाते हैं